हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिनका अगेन आई विल देयर एमवी शूट स्केच आ चुका है, जो म्यूजिक वीडियो था। और उसमें ना कोई कोई एक्टर या आई थिंक कोई कोई दिखा था हमको लगा, पर हम बाद में सोच रहे थे जब सेकेंड या थर्ड टाइम सुन रहे थे तो कोई कोई दिखा, हम रिकोगनाइज कर रहे थे पर याद नहीं आ रहा था वो है कौन। तो लेट्स गो, इसमें बताता है कि नहीं, या कोई उसके जैसा दिखने वाला, मतलब एक वाइट हेयर ओल्ड मैन जैसा ना, जिसका सर से टोपी गिर जाता है, आई थिंक वो फेमस कोई है। तो लेट्स गो, हमको पता नहीं है वो कौन है।안녕하세요. 지금 여기는 저의 선공개국 아비테어의 भाई चिल जिन भाई, लेट्स गो।안녕하세요. 지금 여기는 저의 선공개국 भाई아비테어의 뮤비 촬영 현장이고요. 지금 여기는 미국 LA입니다. LA에서 소소하게 작은 세트들로 구성이 된 촬영장인데, 이번 뮤비 컨셉은 동네에서 노래를 진행한다. 고난과 역경을 다 무시하고 여러분들에게 행복을 선사하기 위한 노래를 한다. 뭐 이제 이런 느낌입니다. यहाँ पर सोचो, अगर सही में लाइफ ऐसे, मतलब सोचो एग्जांपल ले लो, पीछे क्राउड है, यहाँ जिन लिटरली लाइव परफॉर्म कर रहा है, विच लिटिल बिट रीटेक के साथ थोड़ा थोड़ा, और यहाँ कैमरा से शूट हो रहा है, वो एमवी में चाहता। ओ भाई, कितना कूल लगता है। भाई एमवी में कितना यो ये दिख रहा था, सिंह अब निकल गया, वही रियलिटी।이번에 뮤비 촬영에서는 사실 제가 뭐 목소리로도 먹고 살지만 얼굴로도 먹고 사는 사람이기 때문에 좀 얼굴을 많이 한번 비춰보면 어떨까라는 생각으로 새로운 시도, 여태까지는 뭐좀덜 했었던 그런 느낌으로 한번 찍어보려고 새로운 시도를 해보고 있습니다. 좋게 나올지 안 좋게 나올지 모르겠는데, 어쨌든 여러 기획하고 제 얼굴하고 합쳐지면서 나나우도 바이 괜찮은 공모르던데 뭐 영상이 나오지 않을까라고 생각하긴 하는데, 물론 제가 기획했어요. 제가 짠 거라, 제가 그런 느낌으로 가달라 한 거라. 내 얼굴 이쁘니까 이런 거 하나쯤 있으면 저도 좋을 것 같아요. 기획 잘했다고 해주세요. 그래도 살면서 이제 더 나이 먹기 전에 우리 진짜 페이크 러브 바이 नेचुरली खराब मूड में रहेगा ना, जिनका जिनका फेक लाफ सुन के हमको हंसी आ한 जाएगा।번쯤 조금 내 인생에서 제일 화려하게 한번 해보면 어떨까라는 생각에서 헤어 메이크업도 제 생각 지분이 좀 많았어요. 그래서 머리도 어떤 색으로 할지 고민을 했고, 뭐 액세서리도 많이 하자, 뭐 여기에 이것도 달자, 뭐 목걸이도 많이 채우자, 뭐 이런 거 पियर्सिंग의견 स्टिकर तो많이 क्या냈습니다. 오रिजिनल नहीं है।두번땅 치고 치면 도착해. 위에 파트. 예.
얘를 내버려 두는 동시에 세 번에 세 번. 조금만 더 싶어. 근육까지 와봐. 근육까지 나와. 오, 야, 세상에 붙였네. 3도, 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 3도. 나이스. 마음이 애그레션. 오, 이게 방향이라고? 이 비디오만 봐도 easy 같아, 봐이. 좀, 근데 좀 core strength 필요해, 호타, 나스케 리에. Literally balance, 또 balance 이지 치즈야, 근데 इसको तुम ज्यादा चलोगे ना पेट में दर्द होने लगता है, मेरे को तो होने लगा था। आ, 근데 이거 하체 힘 진짜 빡 들어간다. वे क्या बोला? 아, 근데 이거 하체 힘 진짜 빡 들어간다. मतलब तुमको लगता है ना पैर से बैलेंस करना पड़ता है, पर जैसे स्केटबोर्ड में फुल्ली बॉडी बैलेंस करना पड़ता है, पर पैर मेन चीज़ है और बॉडी को स्टेबल रखना पड़ता है। बट हवरबोर्ड्स में क्या है ना, तुमको पूरा कोर से अपना लेग को आगे पीछे सब चीज़ करना पड़ता है ना, तभी तुम मूव करता है। हल्का सा प्रेस देने के लिए ना पूरा कोर स्ट्रेंथ डालना पड़ता है उसके लिए। तुम वो थोड़ा देर के लिए करोगे ना, हाफ एन आवर के लिए कुछ फील ही नहीं होगा, तो हाँ भाई बैलेंस किए, ओ माई गॉड हो गया। बट थोड़ा ज़्यादा देर कर लोगे ना, तुमको एक अलग सा मसल पेन रहेगा स्टमक एरिया की तरफ, मेरे को तो था। और हमको तब पता चला कि थोड़ा टाइम के लिए करने पे नहीं, बट ज़्यादा टाइम इसको रगड़ोगे तो तुम भाई बहुत, अब वो पेन बहुत गलत टाइम पे आया था। मतलब सोचो ना, वेकेशन के, मतलब वेकेशन नहीं बोलेंगे, मतलब छुट्टी के टाइम जब सोचे थे कि हाँ भाई फन करना है इस छुट्टी में, उसमें एक पेन उठ गया। और पेन उठने के बाद वापसी, एक होता है ना कि वो एक्टिविटी करने में हेजिटेशन, वो जग गया था मेरे अंदर।수고하셨습니다. 네, 아, 이렇게 아비데어 뮤직비디오가 끝이 났습니다. 오늘 아침부터 정말 많은 분들이 또 고생해 주셔가지고, 네, 좋은 결과물이 나올 것 같고, 저의 이 저녁하고 첫 뮤직비디오인 이 아비데어가 이제 끝이 났는데, 저는 또 다음날 내일 러닝와일드 저의 타이틀곡 뮤직비디오를 찍으러 갑니다. 러닝와. 네, 아비데어와는 또 완전 다른 무드, 다른 분위기여가지고 또 이제 거의 상반된 느낌으로 보실 네, 수가 오케이. 있고요. 여러분 그럼 러닝와일드에서 만나요. 오케이, 러닝와일드. 아르 젠 कुछ 드롭 किया था आई थिंक, ये 러닝와일드 का 티저 आया था, 체크 कर ही लेते। कब तक यारी दोस्ती में कर, मतलब रनिंग वाइल्ड हम एज अ टीजर यूजर को सपोर्ट करते नहीं, मैंने वियर्ड लगता है केपॉप में ये एक दो मिनट का वीडियो के लिए भी टीजर आ रहा है। फैंस के लिए अच्छा बात है, हम भी फैन हैं, बट ये टीजर इरिटेटिंग लगता है कि 4 से 5 टीजर आता है एक सॉन्ग के पहले ना भाई। ओके, लिटरली अपोजिट वाइब है।
ये म्यूजिक कैसा लग रहा पता है? कभी तुमने मतलब स्लाइड शो देखते हो ना, स्लाइड शो में जैसे म्यूजिक बजता है ना, टिंग टिंग टिंग, वो वाला फीलिंग मेरे को तो वैसा नहीं है, बट जिनका वोकल्स इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा आई नो, बट म्यूजिक हल्का टाइम के लिए मेरे को वो वाला फीलिंग दिया जो स्लाइड शो चलता है ना, तुम ये वाला जो टीजर का जो म्यूजिक है इतना पार्ट का, उसको उठा के स्लाइड शो में डालो, वो एक बेसिक स्लाइड शो म्यूजिक बन जाएगा। पीछे का ड्रम्स हटा के, ड्रम्स और बेस जो है इट्स गोना बी गुड, क्योंकि इतना बोल सकते हैं। ये क्या है, हैप्पी मेलोडी, ये क्या है, आई थिंक ये जिनका जो आई थिंक है ना, आई थिंक छोटा सा हिंट है, ट्रैक वन रनिंग वाइल्ड, ट्रैक टू आई विल देयर, ट्रैक थ्री अनदर लाइफ, ट्रैक फोर कुछ तो है, ट्रैक फाइव, ट्रैक सिक्स, छह ट्रैक। ओ माय गॉड, ये मतलब हम ये देखने नहीं चाहेंगे, हम डायरेक्ट टाइम भी देखेंगे, ज़्यादा इंजॉय, हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं डायरेक्ट एकदम ब्लाइंडली घुसना, बट एक क्यूरियोसिटी क्लिक कर दिए वो टीजर पे, वो मेरा माय बैड वाला फीलिंग था, बट जेन्युइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और नेक्स्ट स्टेप कब आने वाला, अभी हम एक्साइटेड है, हाइप लेवल का चेक करें, लास्ट वीडियो कब डाला था, 4 घंटे पहले ही ये टीजर डाला है ना, ये नाइफन का नया सॉन्ग आया, ठीक है, नाइफन देख रहे हो कितना सारा ये लोग ये डालते हैं, टीएक्सटी ओवर द मून सेंचुरी वर्जन सुनना चाहिए क्या, तुम लोग को पसंद आया कि नहीं हमको बताओ, हम फिर ये सुनेंगे। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, ड्रॉप होने का वेट तो कर ही रहे, तुम लोग जितना कर रहे हो भाई हम लोग भी उतना ही वेट कर रहे हैं। गाइस 6 ट्रैक आने वाला है ठीक ना, 6 ट्रैक में से एक हम लोग सुन चुके हैं, एक जल्दी ड्रॉप होने वाला है, फिंगर क्रॉस, और 4 एल्बम भी आने वाला है ना, मतलब इसको ये मिनी एल्बम मतलब इसको क्या ही बोलेंगे, फिर जियोप भी कुछ लाने वाला है भाई, जियोप फीट के लिए हमेशा एक्साइटेड, भाई मेरा बायस है जियोप, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो, भाई जैक इन द बॉक्स तो भाई मेरा वन ऑफ द बेस्ट एल्बम बोल सकते हैं, उसके बाद जो एल्बम आया वो अच्छा था पर वो मेरा टेस्ट के नहीं था, वो एकदम स्ट्रीट लेवल हिप हॉप था, वो ज़्यादा रॉक साइड में था जैक इन द बॉक्स, तो हमको वो ज़्यादा पसंद आया, और वो लो हिप हॉप बेस लाइन वाला एकदम लो हिप हॉप हमको ठीक लगता है, बट मतलब वो जॉनरा की तरफ हम बेंड नहीं होते, बट अब देखते जेहोव क्या लाता, वो शू मतलब स्वीट एंड सिंपल जेहोव देखने को मिलता है या एकदम क्रिएटिव जेहोव देखने को मिलता है या कहीं मिड ग्राउंड ढूंढेगा, वो तो भाई एक्साइटेड हमेशा, वो 1 किलो का फेज रहता है ना, जैसे जंगू का बैड बॉय फेस चल रहा था अभी, तो जब वापस आता है तो वो क्या मतलब एक्साइटमेंट भाई, और ज़्यादा टाइम नहीं बचा ये लोग का मतलब वापस आने में, लेट्स गो गाइस, होपिंग फॉर द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, तभी चलते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, टाटा सी यू, सायोनारा।